एवरीवन, वेलकम टू आवर न्यू टॉपिक। आज का जो टॉपिक है वो है हैजार्ड्स एंड प्रिकॉशंस फॉर वेल्डिंग। हम वेल्डिंग सेफ्टी अवेयरनेस की बात करेंगे। कंस्ट्रक्शन सेफ्टी का ही टॉपिक है ये भी। कंस्ट्रक्शंस में देखिए, कंस्ट्रक्शंस में ही नहीं, सभी जगह यूज़ किया जाता है वेल्डिंग को। किसी भी इंडस्ट्रीज़ में भी अगर आप जाते हैं, कोई भी मशीन ख़राब हो जाती है या किसी टैंक में कोई भी दिक्कत आ जाती है, कंटेनर्स में, स्टोरेज प्लेसेस पे कोई भी प्रॉब्लम होती है, तो वेल्डिंग करी जाती है। ठीक है, तो वेल्डिंग जो है वो ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलरली आप सिर्फ कंस्ट्रक्शन साइट पे वेल्डिंग होती हो, तो ऐसा नहीं है। वेल्डिंग्स बहुत सारी जगहों पर यूज़ होती है, तो सबके लिए इसका वर्क है, सबके लिए सेफ्टी है, सभी जगहों पर वर्क होता है वेल्डिंग का। तो वही है, उसकी सेफ्टी अवेयरनेस के बारे में बात करेंगे, क्योंकि वेल्डिंग जो है उससे क्या क्या हैजार्ड्स हमें हो सकते हैं और क्या क्या प्रिकॉशंस हम ले सकते हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले हैजार्ड्स एंड प्रिकॉशंस की अगर हम बात करें, हैजार्ड्स हमें क्या क्या खतरे हैं उससे, और प्रिकॉशंस हम क्या क्या खुद को बचाने के लिए पहले वो प्रिवेंशंस ले सकें, उनके बारे में। ठीक है, तो वेल्डिंग और कटिंग एक ऐसे कॉजेज क्रिएट कर सकते हैं, जैसे कि आपकी आईज इंजरी हो सकती है, आपको आईज इंजरी से रिलेटेड इन्फेक्शंस हो सकते हैं, आपको बर्न्स हो सकते हैं, और इंजरीज ऐसी भी हो सकती है, लिफ्टिंग, कोई चीज़ आप लिफ्ट कर रहे हैं उसकी वजह से, किसी सामान को गिरने की वजह से, और ऐसा भी हो सकता है कि फायर हैजार्ड्स हो जाएं आग लगने के कारण। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हेल्थ हैजार्ड्स और हेल्थ हैजार्ड से रिलेटेड भी हैं, और मशीन हैजार्ड, इस तरीके के हैजार्ड उससे हो सकते हैं। ठीक है, अब अगर बात करें हैजार्ड्स गैसेस और फ्यूम से कैसे होते हैं, तो देखिए, वेल्डिंग क्या है, एक स्मोक का मिक्सचर है। वेल्डिंग स्मोक इज़ अ मिक्सचर ऑफ वेरी फाइन पार्टिकल्स। ठीक है, वेल्डिंग स्मोक एक मिक्सचर है फाइन पार्टिकल्स का, जिसे फ्यूम्स और गैसेस कहा जाता है। ठीक है, क्या क्या होता है इसमें, क्रोमियम, निकिल, आर्सेनिक, एस्बेस्टॉस, ठीक है, सिलिका, बेरिलियम, इस तरीके के सारे ये केमिकल्स होते हैं, नाइट्रोस ऑक्साइड, ठीक है, फ्लोरीन, कार्बन मोनोऑक्साइड, लीड, ओजोन, जिंक, जनरली गैसेस फ्यूम्स क्या होती हैं, इसके द्वारा निकलती हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, बेसिक फिलर मटेरियल्स रहते हैं हमारे। ठीक है, अब ये सारी चीज़ें क्या पता चली हमें, हैजार्ड्स पता चले, किससे होते हैं हैजार्ड्स, इन गैसेस और फ्यूम्स होते हैं, इनसे निकलने वाली गैसेस और फ्यूम्स की वजह से इस तरीके के हैजार्ड्स हमें सामना आते हैं, एस्बेस्टॉस वगैरह जो है, ये सारी चीज़ें हमें फेस करनी पड़ती हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इससे क्या होता है, कंटामिनेटेड होती है, एयर कंटामिनेट होती है। ठीक है, एयर तो होती है, साथ में हमको क्या करना होगा, शील्डिंग, हमें खुद को सेफ रखने के लिए एक फेस शील्ड पहननी होगी, केमिकल रिएक्शंस जो हो रही हैं उसमें जो हमें हार्म कर सकती हैं उनसे बचना होगा हमें, है ना, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, खुद को सेफ रखना होगा। तो इस तरीके से हम PPEs वेयर करेंगे और ठीक इक्विपमेंट्स यूज़ करेंगे। जो भी इक्विपमेंट हमें यूज़ करना है, क्या क्या हमें उस काम के लिए सामान लगने वाला है, वो सारी चीज़ें हमें यूज़ करनी है हमको। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट क्या होता है, देखिए, अगर हम लॉन्ग टर्म इफेक्टेड और एक्सपोजर में रहते हैं जिंक और मैग्नीशियम के, जो केमिकल्स मैंने भी आपको बताए थे, उनके अंदर अगर आप लॉन्ग टर्म से एक्सपोज हो रहे हैं उनके सामने, तो आपको एक तरीके की बीमारी हो सकती है, जिसे बोलते हैं मेंटल फ्यूम फीवर। ठीक है, मेंटल फ्यूम फीवर बोला जाता है उसको। ठीक है, मेंटल फ्यूम फीवर जो है वो, उसके सिम्टम्स क्या रहते हैं, फ्यूम्स की वजह से आपको 4 से 12 घंटे के बाद, एक्सपोजर के 4 से 12 घंटे के बाद आपको फीवर आ सकता है। ठीक है, लॉन्ग टर्म एक्सपोजर के बाद क्या हो सकता है, मतलब ज़्यादा समय से, मतलब रोज़ रोज़ आप उसके कॉन्टैक्ट में आ रहे हैं, तो आपको क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं, देखिए, वेल्डिंग स्मोक से आपको आपकी आईज इरिटेट हो सकती हैं, चेस्ट एंड रेस्पिरेटरी रेस्पिरेशन में प्रॉब्लम हो सकती है, सांस लेने में और चेस्ट में पेन हो सकता है। ठीक है, फीवर आपको होगा, जिसे फ्यूम्स फीवर भी बोला जाता है, फ्यूम फीवर। ठीक है, मसल एज हो सकती है आपको। ठीक है, इस तरीके की प्रॉब्लम्स आपको, जैसे मेटलिक टेस्ट इन माउथ हो सकता है, मतलब मुंह में ऐसा लगेगा जैसे कि जैसे फ्यूम्स जो निकलती है उसकी स्मेल होती है ना, लोहे लोहे टाइप्स की, उस तरीके का आपको मुंह में टेस्ट भी लगेगा, फील होगा। ठीक है, वेल्डिंग स्मोक देखिए आपको, और क्या क्या ऐसे सिम्टम्स भी आ सकते हैं, आपको वॉमिटिंग आया है ना, स्लो डाइजेशन हो रहा हो आपका। ठीक है, इस तरीके से, और हो सकता है आपको थकावट फील हो, फटीग हो जाए आपको, है ना, इस तरीके की प्रॉब्लम हो सकती है।
तो आपको खुद से बचा के रखना, क्योंकि उससे निकलने वाले अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस रहती हैं वो आपको रिएक्ट कर सकती हैं ऑक्सीजन, जब आप ऑक्सीजन लेते हैं ओजोन से, तो वो क्या है आपको जब आप इनहेल कर रहे हैं उन सारी चीज़ों को, तो वो कहीं ना कहीं आपको हार्म कर सकती हैं। ठीक है, ठीक है, ये सारी बात तो हमने किसके बारे में की, होने वाले जो फ्यूम्स उड़ रही हैं उनको इनहेल करने की वजह से होने वाले डिसीज़ के बारे में। ठीक है, अब हम क्या बात करेंगे, हीट, जो हीट उसमें से निकलती है उससे हमें क्या क्या दिक्कत हो सकती है। तो देखिए, बर्न्स हो सकते हैं, आई इंजरी हो सकती है, हॉट फ्लैक्स मतलब रैशेज जो पड़ जाते हैं वो हो सकता है। ठीक है, डैमेज हो सकता है आपके आइज़ का रेटिना, जो कि बहुत से लोग ऐसा गॉगल वेयर नहीं करते हैं ना, तो उनके लिए बड़ी सी दिक्कत आई है। ठीक है, और अल्ट्रावायलेट लाइट्स जो इससे रहती है वो बहुत ही हार्मफुल होती है, स्किन बर्न्स हो सकते हैं और परमानेंट आई डैमेज भी हो सकता है। तो इसीलिए बोला जाता है जब भी वेल्डिंग करें तो प्लीज़ पीपीज वेयर करें। तो देखिए, इस तरीके के बड़े बड़े हज़ार्ड्स और मिल सकते हैं आपको देखने को। तो इसके लिए जो प्रिकॉशंस हैं वो सिर्फ यही हैं कि आपको खुद को सेफ रखने के लिए पीपीईज वेयर करनी ही होंगी। अगर आप पीपीईज वेयर करते हैं तो आप बिल्कुल सेफ हैं, अदरवाइज़ आपको हैजार्ड्स के एक्सपोज में आने से कोई नहीं रोक सकता। आपके साथ जो भी हो सकता है, आईज डैमेज, जो भी ये सारी प्रॉब्लम, तो वो सब होनी जेन्युइन है। ठीक है, ब्लड प्रेशर जैसी प्रॉब्लम भी हो सकती है आपको, हार्ट डिसीज़ हो सकता है, टायर्डनेस हो सकती है। ठीक है, तो बहुत सारी बीमारियां जो हैं वो इससे रिलेटेड हैं, सिर्फ इतने से वर्क से आपको शोल्डर पेन, बैक इंजरीज, नीज जॉइंट डिसीज़, ओवर हेड वर्क है ना, वाइब्रेशंस, हैवी लिफ्टिंग की वजह से वाइब्रेशंस और ऐसा लगेगा आपको काफ़ी अजीब सा है ना, तो ये सारी चीज़ें हो सकती है। तो इसीलिए बोला जाता है कि जब भी आप खुद ऐसा वर्क करने जा रहे हैं वेल्डिंग का, तो खुद को सेफ रखें। देखिए, खुद को सेफ रखने के लिए पीपीज वेयर करना होगा, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स, उससे बेटर कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है, तो ये मैंने आज आपको हैजार्ड्स एंड प्रिकॉशन फॉर वेल्डिंग के बारे में बताया। कंस्ट्रक्शन सेफ्टी का टॉपिक था ये, हालांकि था ये कंस्ट्रक्शन सेफ्टी का, पर ये आपको सभी जगह सुनने को मिलेगा, चाहे आप इंडस्ट्री में वर्क कर रहे हो, कंस्ट्रक्शन में वर्क कर रहे हो, या किसी भी कंपनी में जहाँ ये ऐसे मशीनरी से रिलेटेड वर्क हो रहा है, मैन्युफैक्चरिंग चल रहा है, वहाँ सब जगह ये यूज़ होता है। ठीक है, तो मैंने आज ही आपको हज़ार्ड्स एंड प्रिकॉशंस के बारे में बताया। सो थैंक यू।